कैसे नाराज है। हर किसी की जिंदगी में परेशानियां बनी ही रहती हैं और उन परेशानियों के समाधान के लिए हर कोई अपने राशिफल को जानना चाहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम समय चक्र में और मैं हूँ आपके साथ स्वप्निल यादव। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित रविशंकर ज्योतिष आचार्य। तो आज हम पंडित जी से जानेंगे कि आज का पंचांग क्या है। ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः। आज का पंचांग विक्रम संवत 2080 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दिन सोमवार, नक्षत्र घनिष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में स्थिर। आज का सूर्योदय 6:29 प्रातः, आज का सूर्यास्त शाम को 5:14। राहु काल का जो समय है सुबह 7:30 से लेकर 9:00 तक। तो पंडित जी से जाना हमने कि आज का पंचांग क्या है, अब हम जानेंगे कि आज का राशिफल क्या है। तो हम शुरुआत करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन कि आज इनके सितारे क्या कुछ कहते हैं। प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आज आपको धन लाभ हो सकता है, मन को शांत रखें। संतान पक्ष से विशेष लाभ हो सकता है और आपको शिक्षा में उन्नति मिल सकती है। साथ ही आप वृषभ राशि वालों के लिए शत्रुओं से सावधान रहें, व्यापार से लाभ होगा, कार्य में उन्नति होगी, धन खर्च अधिक रहेगा, उसको आपको कंट्रोल करना है और अपने मन को शांत रखें, व्यर्थ की चिंता न करें। साथ ही तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन आपको धन संबंधी लाभ होगा, साथ ही धन खर्च पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा और पत्नी पक्ष से लाभ संभव है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें अपना और पत्नी का, और व्यापार के लाभ के योग बन रहे हैं। अब आगे हम पंडित जी से जानेंगे कि कर्क, सिंह और कन्या राशि के सितारे आज क्या कुछ कहते हैं। कर्क राशि, चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए करियर में विशेष लाभ होगा, आपको वाहन सावधानी से चलाना होगा, साथ ही आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अगर परेशान हैं तो उसका आज के दिन विशेष ध्यान रखें। लड़ाई झगड़े के भी योग बन रहे हैं तो आप अपने वाणी पर भी आज के दिन कंट्रोल रखें तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, साथ ही आपको भाई बहनों का भी स्नेह मिलेगा। अगर कोई दूरिया भाई बहनों में थी तो स्नेह मिलेगा। उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग रहेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर अगर अस्वस्थ आपके पिता चल रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान रखें, उनको कुछ दिक्कतें हो सकती है तो उसको आपको ध्यान रखना होगा। छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, करियर में लाभ होगा, साथ ही आपके दिमाग में अगर कोई उल्टी सीधी सोच चल रही है तो उसको सकारात्मक सोचें, नकारात्मक ना सोचें तो आज का दिन आपके लिए अच्छा। तो आगे हम जानेंगे पंडित जी से कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए आज सितारे क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ खास है, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से। जी, सातवीं राशि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सामान्य से कम मेहनत भी करने पड़ेंगे और परिणाम आपको आज के दिन अच्छे मिलेंगे, इसलिए आज आपको खुशी भी रहेगी, साथ ही आपके स्थिति में बेहतर सुधार होगा जिससे कि आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए उन सभी आप योजनाओं पर काम करें जिस पर आप पिछले कुछ समय से बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, आपके निवेश से जुड़ी जरूरी कार्य आज हो सकते हैं, साथ ही आप कोई काम में जल्दबाजी ना करें, बहुत अस्थाई से करें और लड़ाई झगड़े से बचें तो आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आपको अच्छा धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा, साथ ही आपको धर्म, आपका धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगा, कोई पूजा पाठ
संगीत भजन कर सकते हैं, आप कहीं बड़े मंदिर भी जा सकते हैं, कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं, इससे आपको आज के दिन विशेष लाभ होगा। जैसा कि हमने पंडित जी से जाना कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के सितारे क्या कुछ कहते हैं, अब इसी कड़ी में आगे हम जानेंगे कि मकर, कुंभ और मीन राशि के सितारे आज क्या कुछ कहते हैं। जी देखिए, मकर राशि धन के विशेष लाभ है। पारिवारिक में अगर कोई तनाव चल रहा था तो वो दूर होगा और आपको सुख सुविधाएं मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही आपको, अगर आपका कोई मामला न्यायालय में चल रहा था तो उसमें भी आपको विजय मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगली राशि की बात करें तो कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों का माता अगर आपकी बीमार है तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे कि घरेलू जरूरी वस्तुएं आप अपना कार्य जो है वो कर सकते हैं। साथ ही आपकी जो माली हालत भी थी उसमें भी आज सुधार होने के योग हैं, जिससे आपको विशेष लाभ रहेगा और आप आज का दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। आखिरी और अंतिम राशि की बात करें तो मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए जो आप अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाएं, जातक जो छात्र कोई प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहा है तो उसमें विशेष लाभ मिलने के योग हैं। आपको बस थोड़ा एकाग्र रहना है और अगर आपका कोई रुका हुआ कार्य है तो भाग्य आपका आज के दिन साथ देगा, वो कार्य पूरा होगा। साथ ही सावधानी पूर्वक अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करें और थोड़ा सा अपने माता जी को, आपको भी स्वास्थ्य के, मीन राशि वालों के जातक को भी अपने माता के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी आज का दिन आपके लिए अच्छा। जैसा कि हमने पंडित जी से जाना कि राशिफल के सितारे क्या कुछ कहते हैं, अब हम जानेंगे कि पंडित जी अगर धन प्राप्ति या धन लाभ चाहिए तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, धन लाभ अगर आपको, आपको आर्थिक दिक्कत चल रही है तो आप भगवान के प्रति अपनी आस्था बढ़ाइए, आप अपना कॉन्फिडेंस, सकारात्मक सोच रखिए। साथ ही लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको तो शुक्रवार का उपाय करना होगा। शुक्रवार के दिन आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करिए, माँ लक्ष्मी का विशेष पूजा आराधना करिए, उनके मंत्र का जाप करिए, ओम श्री महालक्ष्मी नमः का भी आप जाप कर सकते हैं, तो इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और आपके पास धन का संचार होगा। साथ ही आपको धन का, धन की प्राप्ति होगी, जिससे कि आप अपना जीवन सुख में बिता सकते। पंडित जी, एक मैसेज आ रहा है, सवाल आ रहा है मेल के माध्यम से, नाम है उनका दीपक और सवाल उनका ये है कि करियर को लेकर ये सवाल है और उन्होंने डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि बताई है 9/11/1988 और उनके जन्म तिथि का जो समय है वो सुबह का है 4:30 का। तो दीपक के लिए, उनके करियर के लिए क्या कुछ खास है और क्या आगे होने वाला है, हम आपसे जानना चाहेंगे। ये देखिए, जैसे दीपक जी की कुंडली, उन्होंने बताया 9/11/1988 समय सुबह का 4, जन्मस्थान उन्होंने लखनऊ बताया है, तो उनकी कुंडली जो तैयार हुई है कन्या लगन तुला राशि की, उनकी शनि की महादशा चल रही है, मंगल की अंतरदशा और मंगल की ही प्रत्यंतरदशा चल रही है। अगर उनको करियर के बारे में, वैसे तो देखा जाए कुंडली के हिसाब से तो उनका समय अच्छा चल रहा है, आने वाले समय में और भी अच्छा होने का योग बन रहा है, क्योंकि आप कन्या लगन, आपके जो लग्नेश के स्वामी हैं वो बुध हैं और आपकी जो राशि स्वामी यानी धनेश के स्वामी और राशि स्वामी शुक्र हैं, शुक्र नीच के हैं, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा, कन्या राशि में ही विराजमान है तो आपको थोड़ा सा अपने आप को शुक्र का उपाय करना चाहिए। शुक्रवार के दिन आप सफेद चीजों का दान करें, साथ ही आप अगर हो सके तो गाय को ब्रेड या रोटी खिलाएं, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा और आपके करियर में और भी ग्रोथ होगा। आपके कुंडली में देखा जाए तो धन भाव में बुध के साथ सूर्य बैठे हुए हैं तो बुद्धादित्य योग भी बन रहा है, तो आपके जीवन में अच्छा धन लाभ है। थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा
और अपने खर्च पर, क्योंकि आपके द्वादश में केतु बैठे हैं, छठे भाव में राहु बैठे हैं, तो आपको खर्चे पे कंट्रोल करना होगा। आपके हाथों से अगर आपके जेब में आपके पास पैसा रहता होगा तो बहुत खर्चा होता होगा, इससे आपको अपने खर्च पर कंट्रोल करना है। आपके सप्तम भाव में मंगल बैठे, आप मांगलिक भी हैं, तो आपको अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करना है, क्योंकि आपको गुस्सा भी काफी अधिक आता है, जिससे कि कुछ कार्य आपके बिगड़ जाते हैं, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना होगा। और आपको अपने करियर में, सूर्य भी आपके कुंडली में धन भाव में है लेकिन अस्त के हैं, तो आप जो सूर्य नीच के भी हैं, तो आपको विशेष सूर्य को अर्घ दें, डेली जल दें, ओम घन सूर्याय नमः का जाप करें, तो आपके लिए विशेष रहेगा। तो इसी कड़ी में हम पंडित जी से जानेंगे कि आज का विशेष क्या है। पंडित जी देखिए, आज के दिन का विशेष है, जैसे आज प्रातः 8:36 तक छठ का जो विशेष पूजा चल रहा है इस समय, अभी कल के समय चक्र में मैंने आपको बताया कि लोग सूर्य का व्रत रखेंगे उपासना, तो आज पारणा का दिन है। साथ ही आज 8:26 से पहले आपको सूर्य को विशेष अर्घ देना चाहिए, तो इससे आपके सूर्य भी मजबूत होंगे। और चंद्रमा यानी सोमवार का दिन है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या अशुभ स्थान पे विराजमान है, नीच के हैं, तो आपको मन, चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है, आपको गले से संबंधित, अगर नीच का है तो गले या आंखों से संबंधित आपको दिक्कत भी हो सकती है, तो सोमवार के दिन आप चांदी का दान करें, श्रेष्ठ कर रहेगा। अगर चांदी का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप चंद्रमा मजबूत होगा तो आपका मन जो होगा वो शांत रहेगा, और आगे सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपके जीवन में और भी वृद्धि होगी। चांदी का दान करें, आप किसी गरीब को दूध का दान करें तो ये भी श्रेष्ठकर रहेगा और आपके लिए विशेष लाभ देने वाला है। आज के विशेष में अगर आपका चंद्रमा, एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपका चंद्रमा अशुभ है या आपको आंखों से या गले से संबंधित दिक्कत है या मन भ्रमित रहता है, एकाग्र नहीं हो पाता, तो मन का कारक चंद्रमा होता है, आप चांदी के साथ दूध का भी दान करें, ना चांदी कर सकते हैं तो दूध का करें, चीनी का भी करें, तो आपके लिए विशेष होगा। आज के अपने खास प्रोग्राम समय चक्र में हमने पंडित जी से जाना कि किस राशि के लिए आज कौन सा दिन कितना अनुकूल है, कौन सी राशि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने प्रोग्राम को, अपने दैनिक कार्यक्रम को लेकर हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।